मैं तो नहीं समझ सका, न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली, न जाने कितने महापुरुषों के विचारों को सुन लिया, और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में भी खोज लिया, पर ये नहीं जान सका कि जीवन क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने निष्कर्ष हैं। कोई कहता है प्रभु ने हम सबको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। कोई कहता है जो हम हैं हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है, और कोई कहता है कि जीवन एक घटना या प्रक्रिया है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। चलिए ना समझ सही, पर मुझे एक चीज बहुत ही आकर्षित करती है, और वो है हमारा हर चीज, हर घटना और हर दुर्घटना को अपने विचारों से रंग देना। जीवन के प्रारंभ को हम एक शुभ घटना मानते हैं और जीवन के अंत को एक दुखद घटना। लाखों जीवन इस पृथ्वी पर हर दिन प्रारंभ होते हैं और लाखों ही अंत हो जाते हैं, पर हम इस घटनाक्रम के बारे में तब तक विचार नहीं करते जब तक इन दोनों में से कोई घटना हमारे सामने या हमारे आसपास न घटी हो। बहुत से निकट संबंधी इस दुनिया से चले गए और बहुत से नए आए, पर अपने स्थान से एक दर्शक के रूप में देखते हुए मैं आज तक नहीं समझ सका कि ये क्यों हो रहा है। लोग पागल भी कहते हैं, पर मैं मुस्कुरा देता हूं। आज सुबह मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हॉवर्ड, हमारा प्यारा श्वान की मृत्यु हो गई। वो 2 साल 8 महीने तक मेरे आसपास ही रहा, और प्यार और पुचकारने के सिवा उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा। जहां तक हो सका विशेषज्ञों को बुलाकर भी उसका उपचार करवाया, पर उसको तो जाना था और वो चला गया। सफेद बालों से भरे हुए उसके खूबसूरत शरीर को मिट्टी के नीचे दबाते देखते हुए मेरी आंखों में आंसू तो आने ही थे, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे लिए क्या था। लोग कहेंगे कुत्ता ही तो था, पर ये उनका विचार है। उसको जन्म के बाद बूंद बूंद करके चम्मच से दूध पिलाने से लेकर आज उसी चम्मच से अंतिम औषधि देने तक के सभी चित्र मेरी आंखों के सामने घूम गए। न वो मेरी भाषा बोलता था, न मैं उसकी, न वो मेरी तरह दिखता था, न मैं उसकी तरह, न वो मेरे लिए कुछ करता था। जो कुछ भी करना होता था मैं ही करता था। उसके लिए स्वादिष्ट खाने की चीजों का प्रबंध करना, उसको एक नरम बिस्तर पर सुलाना, उसके लिए सुंदर कपड़े लाना और उसको डर लगे तो अपनी गोद में उठा लेना। फिर ऐसा क्या था जो हम दोनों को एक अव्यक्त बंधन में बांधता था। मेरी एक आवाज से ही वो मेरी तरफ दौड़ा चला आता था, मेरे हाथों को चाटता था और मेरे पुचकारने पर अपनी सुंदर पूंछ खिलाता था। कोई स्वार्थ तो कहीं भी नहीं था, न इधर न उधर, पर उसके जाने के बाद एक खालीपन तो हो ही गया है। शीघ्र ही कोई और सुंदर सा चौपाया उसकी जगह ले ले, पर मैं शायद उसको बस तस्वीरों और यादों में ही रख दूंगा, पर रहस्य तो रहस्य ही रह गया। मैं ये नहीं समझ सका कि ये प्रेम स्नेह और अपनापन कहां तक जाता है। कुछ लोग इंसानों की मृत्यु पर या उनको मारने के बाद भी आंसू नहीं बहाते हैं, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो हर किसी के लिए आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमारे मालिक ने हार्डवेयर तो सभी को लगभग एक जैसा दिया है, पर सॉफ्टवेयर सभी के अलग अलग है। हो सके तो आप भी अपने जीवन में घटित कुछ घटनाएं नीचे लिख भेजें, ताकि मैं संतोष कर सकूं कि कुछ मेरी तरह के भी लोग हैं, पागल और दीवाने।
सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने की स्वतंत्रता या यूं कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंग्लैंड के महान विचारक और दर्शन शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के बिना बोलने की स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मिल कहा करते थे कि यदि किसी विचार को दबाने या शांत करने का प्रयास किया जाता है तो वो विचार सत्य होने की पूर्ण संभावना होती है। सही बात है, लोग बहुत बार सच्चाई को ही दबाने का प्रयास करते रहे। बोलने की स्वतंत्रता पर कोई शासक अंकुश लगाने का तभी प्रयास करता है जब उस शासक को भय होता है कि बोलने वाले के सत्य को सुनकर जनता उसके विरुद्ध ना हो जाए। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से शासक की अपनी ही कमजोरी प्रकट हो जाती है, उसमें सत्य सुनने का साहस नहीं होता है। हो सकता है कि किसी विचार में बहुत थोड़ा ही सत्य हो, पर जब तक बहस करने की आजादी न दी जाए तो सत्य और झूठ में फर्क निकालना आसान नहीं होता। अधिकांशतः देखा गया है कि झूठ की आधारशिला पर अपने को उठाकर शासन कर रहे नेता सत्य से बहुत डरते हैं और सार्वजनिक बहस से भागते रहते हैं। ऐसे नेताओं या शासकों को यदि कभी बहस के लिए चुनौती दी जाती है तो वो कहते हैं कि वो कानून को मानते हैं और अपने विचार कानून के समक्ष रखेंगे, जबकि सब जानते हैं कि कानून की आंखों में धूल झोंकना इन नेताओं को कितनी अच्छी तरह से आता है। शासक तो ऐसा होना चाहिए जो ये कहने की ताकत रखता हो, सभी विचार मुझ तक पहुंचने दो ताकि मैं सही या गलत सभी विचारों को सुनकर और अच्छा बनने का प्रयास कर सकूं। पर दुर्भाग्य विश्व के लगभग सभी नेता औरों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। विरोधी विचारों को दबा देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला और सत्य आज नहीं तो कल जनता को मालूम हो ही जाना है। अच्छा शासक सच्चा और निष्पक्ष होता है और उसमें सत्य और असत्य दोनों सुनने की क्षमता होती है। वो विरोधियों के विचारों को सुनता है और उत्तर देता है, न कि प्रश्नों के जवाब देने के स्थान पर बोलने वालों की कमियां गिनाना शुरू कर देता है या उनका ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप अपशब्द बोलना शुरू कर दें और कुछ भी कहने लगे। बोलने की स्वतंत्रता का तात्पर्य विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। शासक को अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। शासक को अपनी आलोचना सुनकर अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए और आगे ठीक करने का वचन लेना चाहिए। झूठ बोलकर और सच्चे विचारों को दबाकर शासक कुछ समय तक तो शासन कर सकता है, पर जल्द ही उसका अंत हो जाता है। शासक तो जनता का प्रतिनिधि होता है और वो जनता की आवाज होता है, और जब वो शासक ही जनता की आवाज को दबाना शुरू कर दे और उनको सत्य बोलने के लिए दंडित करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि उस शासक के अंत का प्रारंभ हो चुका है। सत्य दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, पर सत्य कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। बोलने की स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में लेते हुए शासक यदि सभी को शासक की आलोचनाओं के बारे में बोलने की अनुमति देता है तो वो शासक जनता के और नजदीक आने लगता है और लोग उस पर और अधिक विश्वास करने लगते हैं। ये मात्र शासक और प्रजा तक ही सीमित नहीं है, इस बात को सभी स्थानों पर ध्यान में रखना चाहिए। परिवार में भी अपनों से छोटों की
बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो सत्य बोल सके और अपने जीवन को सही रास्ते पर चला सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेम को कितना समझते हैं? आप मुझे प्यार नहीं करते? तुम ऐसा क्यों कहती हो मेरी जान? अचंभित पति ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा। आप मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना गुप्ता जी अपनी पत्नी को करते हैं। क्रोधित पत्नी ने अपने पति को आंखें दिखाते हुए कहा। मेरी जान, मैं तो तैयार हूं, पर क्या गुप्ता जी की पत्नी तैयार हो जाएगी? पति ने हंसते हुए कहा। यह चुटकुला हो सकता है, पर मैं इसको चुटकुले से अधिक मानता हूं। पत्नी अपने पति को वैसा ही प्यार चाहती थी जैसा गुप्ता जी अपनी पत्नी से करते थे। वो सेक्स अथवा शारीरिक प्रेम के बारे में निश्चय ही नहीं कह रहे थे। पत्नी चाहती थी कि उसका पति उसकी की तरफ अधिक ध्यान दे और उसके साथ और अधिक समय बिताए, जबकि दूसरी तरफ उसके पति के दिमाग में सिर्फ सेक्स ही था और उसने उसी प्रकार का उत्तर भी दे दिया। वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि वो भी गुप्ता जी की पत्नी के साथ वैसा ही प्यार कर सकता था, पर उसको अनुमति की जरूरत थी। मैं यहां आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में प्रेम की कितनी विभिन्न परिभाषाएं या अर्थ होते हैं। पत्नी के दिमाग में प्रेम का कुछ और ही अर्थ था, पर पति तो अपने ही अर्थों के साथ जी रहा था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रेम का कोई एक सर्वमान्य अर्थ नहीं दिया जा सकता। प्रेम के अर्थ व्यक्ति अनुसार बदलते रहते हैं। मैं एक लेखक हूं और मैं अक्षरों, शब्दों, वाक्यों और लेखों, कहानियों, कथाओं इत्यादि से प्रेम करता हूं। इसी तरह एक चित्रकार रंगों, कैनवस और चित्रों से प्रेम करता है। एक संगीतकार संगीत से प्रेम करता है। एक गायक गीतों से प्रेम करता है। एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है। एक मधुमक्खी फूलों से प्रेम करती है और एक फूल सूर्य के प्रकाश से प्रेम करता है। अब यह तो स्पष्ट है कि प्रेम सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है और प्रेम के उत्पन्न होने के भी विभिन्न स्रोत होते हैं। इसलिए इसको सीमित परिप्रेक्ष्य में देखना या मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। सिर्फ आप स्वयं ही निश्चित कर सकते हैं कि प्रेम का अर्थ आपके लिए क्या है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया कहते हैं, ये एक बहुत ही निजी अनुभव होता है। इसीलिए किसी और के अनुभव से आप प्रेम का वो आभास महसूस नहीं कर सकते जो उस व्यक्ति ने महसूस किया होता है। प्रेम तो एक ऐसी सीढ़ी है जिसके अनगिनत पद हैं और आपको एक एक पद पर होते हुए ऊपर चढ़ना है। प्रेम के सबसे नीचे के पद पर शरीर, रचना और रसायन आते हैं, अर्थात सबसे नीचे के पद पर शारीरिक प्रेम आता है। इस नीचे के पद पर प्रेम सिर्फ रसायनों का एक खेल होता है। एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और एक स्त्री एक पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और दोनों ये समझते हैं कि उन दोनों में प्रेम हो गया है। पर अगर उन दोनों के अंदर के रसायन हंस सकते हैं तो वो उन दोनों पर हंस देते कि उन रसायनों ने उस स्त्री और पुरुष को मूर्ख बना दिया है। जिसे वो प्रेम समझ रहे होते हैं वो प्रेम के सबसे नीचे के पद पर रसायनों के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है और इसको ही हम आकर्षण कहते हैं। ये पाषाणिक होता है, काम पिपासा होता है और ये कुछ समय के तूफान की तरह आता है और शांत हो जाता है।
दुनिया के अधिकांश मानव सीढ़ी के इस निचले पद के प्रेम को ही महसूस करते हैं और समझते हैं, क्योंकि वे इससे ऊपर चढ़ने में भयभीत रहते हैं। वो नीचे के स्तर पर ही रहकर कुछ क्षणों के आनंद को तो पाते हैं, पर अधिक समय निराशा और चिंता में ही बिताते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण प्रेम रूपी दैविक उपहार का तिरस्कार होता चला आया है। ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने शारीरिक प्रेम को ही प्रेम मान लिया था, बहुत से धर्म चलाने में सफल हो गए और फिर उन धर्मों ने प्रेम को बुरा मानकर उससे दूर रहने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। अगर आप प्रेम की सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि एक संगीतकार का संगीत से प्रेम शारीरिक नहीं है, इसमें रसायन का खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होता है और नीचे के पद से बहुत ऊपर होता है। एक चित्रकार का चित्रों से प्रेम शारीरिक नहीं होता। बहुत से ऐसे चित्रकार हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन चित्रों को समर्पित कर दिया। कई संगीतकार ऐसे हैं जिन्होंने संगीत की पूजा की और जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाया। आप एक दर्शक के रूप में एक चित्र की प्रशंसा तो कर सकते हैं, पर उसमें प्रेम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रेम के चित्रकार और चित्र के बीच पहले ही घटित हो चुका होता है। ये उस चित्रकार का निजी अनुभव था और आप उसका आनंद कभी भी नहीं उठा सकते। शायद आप अब तक आप महसूस करने लगे होंगे कि प्रेम एक पूर्ण निजी अनुभव होता है और इसको किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता। विंसेंट वैन गॉग एक महान चित्रकार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चित्रों को समर्पित कर दिया और वो अपनी चित्र साधना और चित्रकारी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने जीवन भर कुछ काम ही नहीं सीखा। उनके भाई उनको बस भोजन के लिए पर्याप्त पैसे दे दिया करते थे। उनके चित्र लोगों को समझ ही नहीं आते थे और कोई भी उनके चित्रों की प्रशंसा नहीं करता था। उनके जीवन काल में उनका एक भी चित्र बिक नहीं सका था, पर कितने आश्चर्य की बात है कि आज उनके चित्र करोड़ों डॉलरों में बिकते हैं और महान संग्रहालयों में सुशोभित। उनको जीवन को समझने का बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका। जब जब किसी को भी उनके चित्र आकर्षित नहीं करते थे तो वो उनको कोई कैसे खरीदता। अंत में उन्होंने अपने चित्र अपने मित्रों को मुफ्त में ही देना शुरू कर दिया। उनको कुछ चित्र प्रेम से जो चाहिए था उनको मिल चुका था और ये उनके लिए बहुत ही निजी था। आज उनके चित्रों को लोग करोड़ों देकर खरीदते हैं और अपने घरों में सजाते हैं और सुरक्षा के पूरे प्रबंध करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके चित्र प्रेम ने उनको चित्रकारों की दुनिया में वो स्थान दे दिया जो मनुष्य की दुनिया में भगवान का है। यह है प्रेम की शक्ति। वो चित्रकारी से इतना प्रेम करते थे कि तीन दिन ही खाते थे और चार दिनों के खाने के पैसे बचाकर चित्रकारी का सामान खरीद लाते थे। जब उनको ऐसे लगने लगा कि इस दुनिया में और कुछ उनके समझने के लिए नहीं है तो उन्होंने 37 वर्ष की उम्र में ही आत्महत्या कर ली। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेम में जीवन का अंत कर लेना चाहिए, पर इस घटना से यह तो प्रमाणित हो ही जाता है कि प्रेम एक बहुत निजी अनुभव है और आप कभी भी नहीं जान सकते कि एक सच्चे प्रेमी के दिमाग में क्या चल रहा है। मरने से पहले उन्होंने लिख छोड़ा, मैं अपनी स्थिति के लिए किसी को भी दोषी नहीं मानता, मैंने वो सभी काम कर दिया है जो मैं करने आया था, अब कोई भी चित्र बाकी नहीं है बनाने को, इस जीवन में अब और कुछ करने को बाकी नहीं रहा। उनके जीवन में प्रेम एक बहुत ही उच्च अवस्था में था और वो समकालीन चित्रकारों से बहुत ही ऊपर थे। कितने ऐसे पुरुष हैं जो स्त्री के लिए मर जाते हैं और कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो पुरुष के लिए मर जाते हैं। एक दो उदाहरण तो मिल जाएंगे पर उससे अधिक नहीं।
स्त्री पुरुष के प्रेम को सबसे नीचे के पद पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दो शरीर आ ही जाते हैं और रसायनों का खेल होता ही है। प्रेम तो दैविक अवस्था तक पहुंचा देता है, पर शायद ही आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने वो स्थिति प्राप्त की हो। एक वास्तविक प्रेमी जो कला, संगीत, प्रकृति, चित्रों, गीतों या और ऐसी ही उच्च गतिविधियों से प्रेम करने लगता है, दैवत्व के मार्ग पर चल जाता है और वह न जाने कब करुणा, पीड़ा, दान, प्रशंसा और जनहित की भावना से भर जाता है। मैं किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा नहीं कहता, मैं किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा नहीं करता, कहने का साहस कितने लोगों में है? जरा खोजने का प्रयास कीजिए, आप खुद प्रयास कीजिए तो आपको लगेगा कि प्रेम करना कितना कठिन है और काम पिपासा में लिप्त होकर उसको प्रेम का नाम देना कितना आसान। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें फूलों की। फूल निसंदेह प्रकृति की सबसे सुंदर रचना कही जा सकती है। फूलों को देखने भर से ही मन में एक अलौकिक सौंदर्य का आभास होता है। सभी युग के लगभग सभी महान कवियों ने फूलों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। प्रकृति का कोई भी वर्णन फूलों की चर्चा बिना पूर्ण नहीं होता है क्योंकि फूल प्रकृति के सौंदर्य के प्रतिनिधि के रूप में दिखते हैं। न जाने कितने ही गीतों में फूलों ने स्थान बनाया है। फूलों को सौंदर्य का प्रतीक मानते हुए सुंदर बच्चों और सुंदर चेहरों की तुलना फूलों से होती रहती है। न जाने कितने रंगों और कितने विभिन्न आकारों में फूल हमको दिखते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि सभी फूलों की अपनी विशिष्ट सुगंध होती है, पर कुछ फूल दिखते तो बहुत ही सुंदर है पर उनमें सुगंध बिल्कुल नहीं होती है। हम नहीं जानते कि प्रभु या प्रकृति के मन में फूलों की रचना करते समय क्या होता है। आप अगर विभिन्न प्रकार के फूलों को ध्यान से देखेंगे और उनकी अलग अलग सुगंध का आभास करेंगे तो आपके मन में निश्चय ही प्रश्न उठेगा कि इनको बनाने वाला कितना निपुण और शक्तिशाली होगा। स्वयं सुगंध से सरोवर तो होते ही हैं, पर ये फूल अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित बना देते हैं। उनकी सुगंध से तितलियां और शहद की मक्खियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। फूलों के रस से मदहोश करने वाले इत्र बनाए जाते हैं। इन फूलों का धार्मिक विधि विधानों में और सामाजिक आयोजनों में अपना विशेष स्थान होता है। एकत्रित हुए लोगों पर गुलाब जल का छिड़काव युगों से चलता चला आ रहा है। सुगंधित तेल बनाने में फूलों की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। माला में पिरो देने पर यही फूल लोगों और देवताओं की मूर्तियों के गले के हार बन जाते हैं। कितनी आश्चर्य करती है इन फूलों की भूमिका हमारे जीवन में। यही फूल देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। इन्हीं फूलों की वर्षा सफल लोगों पर सफलता पाने के बाद की जाती है। यही फूल सजावट के लिए प्रयोग होते हैं। यही फूल प्रेमी प्रेमिका के बीच एक दूसरे को दिए जाते हैं, पर यही फूल अंत्येष्टि पर मृत शरीर पर भी चढ़ाए जाते हैं। इन्हीं फूलों को एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने सुगंधित और शुद्ध प्रेम के प्रतीक के रूप में देता है। स्त्रियां इन्हीं फूलों को श्रृंगार के रूप में प्रयोग करती हैं। कुछ लोग अपने कोट में फूल लगाकर चलते हैं। किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते समय फूलों के गुलदस्ते को ले जाने से उस बीमार व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है। कहते हैं कि फूलों में जादुई उपचारात्मक शक्ति होती है। फूल हमारे जीवन में तो हमारे साथ होते ही हैं, मृत्यु के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ते।
फूल प्रेम बलिदान सम्मान आदर सौंदर्य और शुभेच्छा के प्रतीक होते हैं। कवि और गायक तो फूलों की प्रशंसा करते हुए थकते ही हैं। फूलों की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां कहना तो बनता है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, कौन देता है जान फूलों पर, कौन करता है बात फूलों की, वो शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की, अब किसे है दबावे तो होते इश्क, कौन सुनता है बात फूलों की, मेरे दिल में सूरज सुबह बहार, तेरी आंखों में रात फूलों की, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकले की बात फूलों की, ये गजल महकती ही रहेगी, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुख और खुशी की ओर, सुखी और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है? खुशी शांति और मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इन सबका रहस्य दृष्टिकोण, धाराएं, मूल्य और मानसिक आदतों में छुपा हुआ है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको सुख और खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। आध्यात्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। आध्यात्मिकता से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यदि खोजना ही है तो समझ, बुद्धि, ज्ञान और सत्य की खोज कीजिए। कुतर्क से बचने का प्रयास कीजिए और तर्क वितर्क में शामिल होने से दूर ही रहिए। जीवन में समन्वय, शांति और प्रेम लाने का प्रयास कीजिए। सादगी, स्वाभाविकता और ईमानदारी का अनुसरण कीजिए। जहां तक हो सके अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखिए और खैली खाली बैठकर सोचने से बचिए। कुछ न कुछ करते रहिए और ये कभी मत सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कुछ करते रहने से ज्ञान और धन में वृद्धि ही होती है, कुछ घटता नहीं है। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए कि वो अधिकार पूर्वक आपसे कही गई है। अपनी बुद्धि और अपने विवेक पर विश्वास रखिए और सामान्य ज्ञान की पालना करते हुए ही अपने निर्णय लीजिए। औरों की बातों को कुछ सीखने के लिए सुनिए। अपने आप को पहचान कर अपने होने पर गर्व कीजिए। किसी की नकल करने से आप अपने आप को खो देते हैं। इतना मानकर चलिए कि आपके जीवन पर किसी का नियंत्रण है और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो किसी शक्ति के आदेशों से हो रहा है। अंधविश्वास को मत मानिए और उस दृश्य शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं को अपने जीवन में स्थान दीजिए। आप नास्तिक हो सकते हैं पर नास्तिक होना भी तो एक विश्वास है। अपने विश्वास को कभी घटने मत दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि प्रभु को मानिए या ना मानिए, जो कुछ अच्छा है उसको अपने जीवन में स्थान देते रहिए। जहां तक हो सके अपने जीवन को सरल रखिए और सरल से सरल बनाने की कोशिश करते रहिए। उलझा हुआ जीवन कभी भी सुख और शांति की कामना नहीं कर सकता। किसी भी चीज को इतना बड़ा मत मानिए कि वो आपसे आपका सुख क्या नहीं लूट ले। मित्र व्ययता से बचिए और जीवन में जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उनको ही अपने पास रखिए। आप जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना ही आपका जीवन उलझता चला जाएगा और आपको मालूम ही नहीं होगा कब जीवन की सांझ हो गई है। कटुता, घृणा, क्रोध, दुर्भाव और ईर्ष्या को अपने जीवन में बिल्कुल स्थान मत दीजिए।
आप किसी से क्यों घृणा करते हैं? क्या वो आपसे ज्यादा पैसे वाला है, आपसे ज्यादा सफल है, आपसे अलग विचार रखता है, या आपसे ज्यादा सामान पाता है? वो तो उसके कर्मों का फल है, चाहे वो कितना ही धूर्त ही क्यों ना हो। आप किसी से ईर्ष्या करके अपने को क्यों कष्ट देते हैं? लोगों से प्रेम पूर्वक मिले और उनकी सुने और आलोचना करने से बचें। विनम्रता को अपने जीवन में स्थान दीजिए और धैर्य को सुख और शांति का मूल मंत्र मानिए। हो सकता है किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया हो, पर आप कभी भी बदले के भाव को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन वो बुरा कहने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक जाएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगेगा। किसी के लिए भी अपने मन में दुर्भाव मत लाइए, सभी के लिए अपने मन में शुभेच्छाएं रखिए। किसी व्यक्ति के बारे में अपने निर्णय देने से बचें, क्योंकि हो सकता है आपको पूर्ण सत्य मालूम ही ना हो। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए और कटु शब्दों का कभी भी प्रयोग न करें। शालीन भाषा लोगों के दिल को जीत ही लेती है। सही और गलत का निर्णय कभी भी आवेश में आकर मत लीजिए, क्योंकि आवेश में लिए गए बहुत से निर्णयों के कारण हमको पछताना ही पड़ता है। सभी प्रकार के नशों से अपने को दूर रखने का प्रयास कीजिए। जीवन के नशे से बड़ा कोई भी नशा नहीं है। फिर आप किसी कृत्रिम नशे का सेवन करके सच्चे नशे को क्यों दबाना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी दूर मत भागें। अपने शब्दों और वचनों को अंत तक निभाएं। कभी भी किसी को वचन देने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि अगर वचन दे देंगे तो कभी भी तोड़िएगा। सत्य की खोज में समाज की झूठी मान्यताओं को कभी भी मत मानिए। हो सकता है लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपका पुरस्कार भी करेंगे, पर आप कभी भी किसी को कुछ मत कहिए और अपने काम से मतलब रखिए। आप देखेंगे कि लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। आप कैसे दिखते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप कैसे हैं और आप में कौन कौन से गुण हैं। प्रथम दृष्टि में लोग रूप ही देखते हैं, पर कुछ समय के वार्तालाप के बाद वो उससे अधिक देखने लगते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्ययन या शिक्षा के बारे में, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया या अध्ययन की चर्चा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक फ्रांसिस बेकन की चर्चा न की जाए। बहुत से महान विचारकों, लेखकों, दर्शन शास्त्रियों ने समय समय पर शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे हैं, परंतु बेकन के विचार सबसे ऊपर ठहरते हैं। बेकन ने अपने लेख में लिखा है, शिक्षा मनोरंजन, आभूषण और योग्यता की पूर्ति करती है। निजी क्षणों में या आराम के क्षणों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आनंद प्रदान करना होता है। वार्तालाप के दौरान शिक्षा व्यक्ति के लिए आभूषण का काम करती है और निर्णय लेने में या कोई काम करने में शिक्षा योग्यता दर्शाती है। आज तो मनोरंजन के बहुत से साधन है, पर सब थोड़े समय के लिए ही आनंद प्रदान करते हैं, परंतु एक शिक्षित व्यक्ति पुस्तकों में मनोरंजन हमेशा ही खोज लेता है। वार्तालाप के दौरान व्यक्ति के वस्त्रों या उसके रूप से अधिक उसके बोले हुए शब्दों का महत्व होता है। ऐसे में शिक्षा उसका आभूषण बन जाती है। और किसी व्यापार के संचालन में या कोई निर्णय लेने के समय व्यक्ति की शिक्षा उसकी योग्यता को प्रदर्शित करती है। एक दक्ष व्यक्ति निसंदेह ही एक एक करके विशेष निर्णय ले सकता है और उन पर अमल भी कर सकता है, परंतु किसी काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए शिक्षित व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है।
बहुत अधिक अध्ययन करना या शिक्षा को बहुत अधिक समय देना भी नीरस होता है। शिक्षा का प्रयोग अत्यधिक दिखावे के लिए करना भी उचित नहीं होता। यह मात्र किताबी नियमों के अनुसार ही जीवन का निर्णय लेना भी एक विद्वान को हास्यास्पद बना देता है। शिक्षा या अध्ययन से स्वभाव या मनुष्य की प्रकृति ठीक होती है और अनुभव उसकी शिक्षा को और अधिक उचित बना देता है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक योग्यताएं प्राकृतिक पौधों की तरह होती है और उनको कटाई छटाई की आवश्यकता होती है और शिक्षा ये कटाई छटाई का काम करती है। एक बात महत्वपूर्ण है कि बिना अनुभव के शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। अनुभव के द्वारा शिक्षा की भी कटाई छटाई करनी पड़ती है। दुष्ट या चंट व्यक्ति शिक्षा की निंदा करते हैं, सामान्य या सीधे साधे व्यक्ति शिक्षा की प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा का सदुपयोग करते हैं। शिक्षा से यह ज्ञात नहीं होता कि उसको कैसे प्रयोग करना है। अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना होता है और ये कला अवलोकन या अनुभव से प्राप्त होती है। विरोध या आलोचना करने के लिए मत पढ़े, ना ही किसी लिखी हुई बात पर ऐसे ही विश्वास करे, ना ही अध्ययन वाद विवाद के लिए करें। जो कुछ भी आप पढ़े उसको तौले और उस पर विचार करें। बेकन कितना सुंदर कहते थे, कुछ किताबें सिर्फ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगल जाने के लिए होती हैं और कुछ किताबें चबा चबा कर खाने और पचाने के लिए होती हैं। कुछ किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ी जाती हैं, कुछ पढ़ी तो जाती हैं पर बिना किसी जिज्ञासा, और कुछ किताबें बहुत मेहनत और ध्यान से पूरी पढ़ी जाती हैं। कुछ किताबों को तो औरों के द्वारा पढ़ने से और उनका सारांश लिखने से हो जाता है और सारांश पढ़ने से ही काम चल जाता है, पर ऐसा सिर्फ उस अवस्था में ही हो जब तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण न हो और कुछ निम्न स्तर की पुस्तकें साधारण साफ पानी की तरह होती हैं जो चमकती बहुत है। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण होता है, वार्तालाप से मनुष्य तैयार होता है और लेखन से मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ लिखना है तो उसकी स्मरण शक्ति सुदृढ़ होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति कम परामर्श करता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण ही होगी, पर यदि एक व्यक्ति कुछ पढ़ता ही नहीं तो वो बहुत ही धूर्त होगा। ऐसा धूर्त व्यक्ति दिखावा तो करता है कि उसको सब कुछ आता है परंतु वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, कवि तीक्ष्ण बुद्धि हो जाते हैं, ग्रंथ के अध्ययन से मनुष्य सूक्ष्म हो जाते हैं, दर्शन शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य गहरे हो जाते हैं, नीति शास्त्र के अध्ययन से गंभीर हो जाते हैं, तर्क शास्त्र और वाक कला के अध्ययन से मनुष्य प्रतिस्पर्धा करने में निपुण हो जाते हैं। शिक्षा अंदर तक प्रवेश करती है और मनुष्य के आचरण को आकार देती है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न व्यायाम होते हैं, वैसे ही दिमाग के और आचरण के विभिन्न पक्षों को ठीक करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। पेट में पथरी के लिए व्यक्ति को बॉलिंग नाम का खेल खेलना चाहिए, फेफड़ों और छाती के व्यायाम के लिए निशानेबाजी ठीक होती है, पेट के लिए पैदल चलना बहुत ठीक होता है और सर के लिए घोड़सवारी को ठीक बताया गया है, और इसी तरह और भी खेल है व्यायाम है। यदि किसी मनुष्य का दिमाग एक स्थान पर नहीं ठहरता तो उसको गणित का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गणित में सवाल हल ना होने तक उसको बार बार करना पड़ता है और एकाग्रता का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं छुटा सकता तो उसको शिक्षक के द्वारा दी गई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और यदि किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता तो उसको कानून के केस पढ़ना चाहिए। इसी तरह दिमाग की विभिन्न त्रुटियों के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ज्ञानी होने शिक्षित होने और बुद्धिमान होने में बहुत फर्क होता है।
किताबें पढ़कर या विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके एक व्यक्ति ज्ञानी तो हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान भी हो। ज्ञान का आदान प्रदान तो हो सकता है पर बुद्धि का नहीं। बुद्धि एक विशिष्ट गुण है। मान लीजिए आप कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं और अचानक दरवाजे से एक ऐसा जानवर अंदर आ जाता है जिसको आप में से किसी ने भी पहले नहीं देखा है। आप उस जानवर को देखकर चकित और भयभीत हैं। आप सभी ज्ञानी हैं और आपके ज्ञान ने आपको कुछ बातें भी सिखाई हैं। आप उसको लाठी से मारते हैं, उस पर पानी डालते हैं, उसको हल्ला करके भगाने का प्रयास करते हैं, पर वो जानवर भागता नहीं। अचानक आप में से एक व्यक्ति उठता है और जोर जोर से गीत गाना शुरू कर देता है। वो जानवर भाग जाता है। आप सब हंसने लगते हैं, पर उस व्यक्ति ने जो किया वो वास्तव में पागलपन था। पर यदि वो उस समय अपनी बुद्धि न लगाता तो वो जानवर नहीं भागता। अब उसकी बुद्धि औरों के लिए ज्ञान बन रही है जो आगे भी बांटा जा सकता है। आप औरों को सिखा सकते हैं कि यदि वैसा जानवर आ जाए तो जोर जोर से गाना गाना चाहिए। ज्ञान के साथ यदि बुद्धि का उपहार भी प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का मालिक बन जाता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना 3 साल मेरे जीवन में घटी है उड़ीसा में। एक रेलवे स्टेशन पर मैंने खड़े बच्चों को देखा प्लेटफॉर्म पर 11-12-13 साल के। केवल 5 मिनट लूंगा, मेरी बात सुन लीजिए बस। पूरी कविता पढ़ने में 5 मिनट लूंगा और आधी मिनट की ये बात है जिसलिए मैंने कविता लिखी। इरशाद, 11-12-13 साल के बच्चे दिन भर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं। मैं गुजरता था उधर से, पूछता था लोगों से, मन में जिज्ञासा होती थी क्यों खड़े। वो भीख नहीं मांग रहे होते थे, बूट पॉलिश नहीं कर रहे होते थे। एक बार मेरी ट्रेन खड़ी थी, मैंने रुक के पूछा एक लोकल आदमी से, क्या कर रहे हैं बच्चे यहां पर, क्यों खड़े हैं दिन भर। तो उसने मुझे घूर के देखा और कहा, बाबू जानना चाहते हो तो चाय पियो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मिट्टी के कुल्हड़ में वहां चाय मिलती है। मैंने एक कुल्हड़ चाय ली, चाय पी के कुल्हड़ प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। टूट गया वो कुल्हड़। उस कुल्हड़ के टूटे हुए टुकड़ों में चाय की बची हुई नमी चाटने के लिए मैंने बच्चों को दौड़ते हुए देखा। और जिस दिन से मैंने यह देखा, एक गहन वेदना मैंने मेरे भीतर जी। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, कानून का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैंने 1.5 साल नहीं पढ़ाया। मैंने 1.5 साल दुनिया का आर्थिक विज्ञान पढ़ा। जो आंकड़े मेरे सामने हैं, सरकार के बड़े मंत्री यहां बैठे हैं वो जानते होंगे, हिंदुस्तान में 3 लाख लोग 1 साल में भूख से मरते हैं। हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है। दुनिया के 1,000 अमीरों में हिंदुस्तान के कुल 26 लोग हैं और 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी जीते हैं। तब मैं एक गरीब आदमी के पक्ष में कविता पढ़ना चाहता हूं। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला। कच्चे भाई डॉक्टर साहब क्या कहने, वाह 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 वाह। भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कस्मा साथी आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भटा जिए जा रहा हूँ मैं, भावना का ज्वार भटा जिए जा रहा हूँ मैं। क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में। कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में, एक सवाल में कैद हूँ।
और निवेदन करता हूं देश के वो 50 करोड़ लोग जो रात को पेट भर रोटी खाते हैं, जिनका पेट भरता है रोटी से, रात भर उनके घर में रोटी इतनी है कि उनका पेट भर जाए, उनके दिल में आपको लगे कि ये सवाल चुभना चाहिए तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं। आपको लगे कि ये सवाल हिंदुस्तान के हर उस दिल में चुभना चाहिए जिनको पेट भर रोटी मिलती है, सुनिएगा मेरा सवाल, बहुत छोटा सवाल है, और देश की सरकार के सामने सवाल रखता हूं। आपको लगे कि ये सवाल तो चुभना चाहिए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा लखनऊ आना सफल हो गया। मैं हवना का ज्वार भट जिए जा रहा हूं, मैं क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं, मैं मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में, आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश, वाह वाह वाह, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूँ मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूँ, गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा, शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, जहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे, भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, बिना प्राण के भूख भूख से मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, जिनके पांव नंगे हैं भी और तार तार हैं, जिनके पांव नंगे हैं और तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है, जिनके प्राण बिंदवाई मृत्यु के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख, 3 लाख लोग जब देश में मरते हो तब लिखता हूं, बेटियां जो शर्मोहैया होती हैं जहान की, संस्कृति का देश है ये, 75,000 बार बालाएं अकेले बंबई में, सरकार ने रोक लगाई तो कहती है हमारा रोजगार है, बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव बेच देती है, सिर्फ 2,000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2,000 में माँ बेटा बेच देती है, भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, और एक पंक्ति इतिहास से छीनी, इतिहास से छीनी है, आपका समर्थन मांगता हूं, इतिहास रूटीना छीन के ले जाए, भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराज
महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। मैं अमेरिका में था तो एक जानकारी मिली मुझे, मंत्री साहब हो सकता है आप तक ये जानकारी पहली बार पहुंचे, दुनिया में कुल 3 देश ऐसे हैं, केवल 3 देश दुनिया में, इथोपिया, सोमालिया और भारत, जहां गरीबों को मुर्दा बेचने का कानूनी अधिकार है। अगर किसी के घर में इतनी गरीबी है कि मुर्दा बेच के रोटी मिलती है, तो मुर्दा बेच सकने का कानून हिंदुस्तान में साउथ बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। दुनिया में केवल 3 देश हैं जहां मुर्दे बिकने की मंडी लगती है। तब सुनिए, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। और इस क्रोध को गाना चाहता हूं, आपका साथ मांगता हूं, आपको लगे इस क्रोध में मुझे कहने का हक है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाएगा। अंतिम छंद सुनिए जिसके लिए कविता लिखी। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन। जिस दिन कविता पूरी की, कलकत्ता के पास बदनापुर में एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे, जहां वामपंथियों की सरकार। एक रात में 27 लोग, कोई नहीं पहुंचा मदद के लिए। जानते हो कौन पहुंचा? कलकत्ता की वेश्याओं ने बैंकों से पैसा निकालकर ठेलों पर अनाज डालकर उस गांव में जाकर के अनाज बांटने की कोशिश की। मैंने उस दिन ये कोशिश की, ये काम वेश्याओं का नहीं था, ये किसका काम था? कानूनी व्यक्ति होने के नाते मुझे बताना चाहिए। दुनिया में 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं, और वो 16 देश हैं जहां भूख से मरने की सजा किसे मिले ऐसा कोई कानून नहीं। मैं उस कानून की मांग करता हूं, मंत्री महोदय के सामने करता हूं, और दावा करता हूं कि एक कानून हिंदुस्तान में बना दो जो मैं चाहता हूं, एक भी मौत भूख से नहीं होगी, ये दावा है मेरा। 611 कलेक्टर हैं हिंदुस्तान में, हर कलेक्टर के पास एक फंड है। कई राज्यों में उस फंड का नाम स्टारवेशन फंड है, भुखमरी कोष। सांसद को 2 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, एमएलए को 1 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, कलेक्टर का फंड और ये विकास निधि, और फिर भी कोई भूख से मर जाए। तो जिस कानून की आवश्यकता है उस कानून का समर्थन करना। कल संसद मेरी बात पहुंच जाएगी, मैं समर्थन मांगता हूं। सुनिए, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है। गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही। इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार हो। और किसी पर कविता छोड़ देता तो मैं काहे का हरिओम पवार। अब मेरा साहस देखना, किसी का नाम बता रहा हूं, मिले तो ग्रेबान पकड़ना। मेरे पास 1.5 साल की दुनिया की कानून पढ़ने के बाद लीगल सैंक्शन है ये बात कहने के लिए। कौन जिम्मेदार है? समर्थन करो तो जी भरकर उसे जोश में करना, जिस जोश में गाने की मैंने हिम्मत की है। कविता सुनना। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मानता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार। हिम्मत करो तो आगे करना इससे भी, ताकि मंत्री को लगे कि वो शायरों को कवियों को अगर
प्रश्न देते हैं, हौसला देते हैं, तो पता चले कि कवियों को शायरों की सच्चाई को हौसला मिलना चाहिए। उस जिले का जिला भी सीधे जिम्मेदार हो, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, एक दो कलेक्टरों